को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना स्प्रेड हो रहा है वो हम सबों के लिए कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई है आपदा की। उस बैठक में कुछ एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिन निर्णयों से हम जो स्प्रेड हो रहा है इसकी क्षमता को रोक कर, चूँकि अभी तक ये हम लोगों को क्या पूरे दुनिया में किसी को नहीं मालूम है कि ये ओमिक्रॉन वायरस जो है, वेरिएंट जो है, ये क्या रूप ले लेगा या ये कोविड 19 का क्या रूप हो जाएगा। तो अभी तक तो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, लेकिन दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूक के पीता है। तो अभी वर्तमान में ये निर्णय लिया गया है कि जितने स्टेडियम हैं, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल, ये सारे अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और जो शिक्षण संस्थानें हैं वो सारी अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगी। केवल वो लोग अपने 50% प्रशासनिक कार्य को कर सकेंगे। इसी के साथ जितने मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं या शादी विवाह के जो ये सब हैं, वेंकट हॉल वगैरह, वो अपनी कैपेसिटी से आधे पर काम करेंगे और या फिर 100 तक उसकी संख्या होगी अधिकतम। और इसी के साथ में जितने भी बाज़ार वगैरह हैं वो बाज़ार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और तीन चीज़ें, दवाई, बार और रेस्टोरेंट, वो जो नॉर्मल टाइम था वो ही नॉर्मल टाइम में वो कार्य करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में जो हमारा सरकारी और निजी जितने संस्थान हैं ये 50% कैपेसिटी पर काम करेंगे और बायोमेट्रिक सिस्टम बंद रहेगा, ठीक है। नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई हम लोगों ने निर्णय नहीं किया है। हाट बाजार और ये जो है वो डिस्टेंसिंग के साथ जो है